नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है। 11 दाने लहसुन के और एक नींबू लौटाएगा आपके प्यार को हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपका प्यार आपका ही रह के रहेगा। तो हमें ये 11 दाने हैं, 11 दाने आप लहसुन के ले लें और हो सके तो इसे छील लीजिएगा ठीक तरह से। और कृपया उपाय वही करें, क्योंकि मेरे पास बार बार कमेंट आते हैं कि गुरुजी ये उपाय काम करेगा नहीं करेगा। तो जो मानता हो इन चीज़ों को वही उपाय करें, और जो नहीं मानता उसके लिए ये उपाय बेकार हैं, वो उसके लिए ये उपाय काम नहीं करेगा। जो मानता है सच्चे दिल से करेगा, सच्ची भावना रख के करेगा तो ज़रूर काम सक्सेस होगा, और जो नहीं मानता है वो वीडियो को ना देखें। तो इसे छील लीजिए, और कैसा क्या करना है मैं आपको इसमें प्रॉपर समझाऊंगा। और आपके समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट करें, और जब भी काम शुरू करें मुझे कमेंट ज़रूर कर दें कि हाँ मैं आज काम कर रहा हूँ या कर रहे हूँ तो मुझे थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। वीडियो को प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको लास्ट तक देखेंगे जब भी आपके समझ में आएगा। आधा अधूरा देखेंगे समझ नहीं आएगा और काम नहीं होगा तो फिर बोलेंगे काम नहीं हुआ। बहुत से लोगों को मेरे उपायों से फ़ायदा हुआ है, बहुत से लोगों का मेरे पास कॉल आया है, कमेंट आए हैं कि हाँ गुरुजी मेरा काम हुआ है। तो उपाय मैं जो डालता हूँ आपको कहीं इंटरनेट में कहीं आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे सरल उपाय डाल रहा हूँ और काम भी कर रहे हैं और काम भी लोगों का बनता है, इसीलिए मैं ये उपाय डालता हूँ। तो कृपया वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। जब पूरा देखेंगे जब ही आपके पूरा प्रॉपर तरीके से जो बीजों को है छील लेना है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान सा उपाय है, कोई सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लहसुन हर किसी के घर पर होती है और इसे आप आसानी से उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। हमें लेना है सुई और धागा, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है। अब हमें इनको बीच से ऐसे कवर कर लेना है, धागे में डाल लेना है, ठीक है। ऐसे अब मैं आपको समझाता हूँ, ये दो हमने डाल लिया धागे के अंदर, ठीक है। अब जो हमारे पास बच्चे नौ, अब कैसे डालना है, दो पहले डाल लीजिएगा, एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा जो कि लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। वो मंत्र मैं यहाँ नहीं लिख करके बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है मंत्र, इसलिए मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर मैं डालूँगा लिख करके, यहाँ डालूँगा तो किसी के समझ आता है किसी के नहीं आता है, किसी को दिखता है किसी को नहीं दिखता है। तो वो अब ये जब डालना तो वो मंत्र जितने बीट डालना उतने बार इसको, अब 9 बचे 9 बार वो मंत्र बोलना, ऐसे डालिए और मंत्र को बोल दीजिए, ठीक है। फिर एक डालिए फिर मंत्र को बोल दीजिए, 9 बार आपको बोलना है, ठीक है। अभी बीच में आप नींबू डाल दीजिए, नींबू पे नाम लिख लेना है, जिसको वश में करना है अपना नाम लिख लेना, स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इस तरीके से नींबू को बीच में डाल दीजिएगा, ठीक है। नींबू जब डालना तो मंत्र नहीं बोलना है, सीधे डाल देना है, और जब लहसुन डालिएगा तो मंत्र बोल दीजिएगा, ठीक है, ऐसे। ये हमारा प्रॉपर हो गया, डाल लिया हमने, ठीक है, इस तरीके से। अभी इसको क्या करना है आपको, ऐसे बांध लेना है, ठीक है,
और इसे आगे क्या करना है मैं आपको बताई दे रहा हूँ। इसे आप ऐसे बांध करके पीपल के वृक्ष में इसे कहीं भी डाली में टांग दीजिएगा। यह इतना असरकारी उपाय है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतने जल्दी मेरा प्यार मेरे को वापस मिल गया। ये किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। चुपचाप करना ये उपाय, कोई देखे ना। और ये करने के बाद इसे जा कर के जब भी आपके पास टाइम मिले उसी दिन, लेकिन टांगना है, जब भी आपके पास टाइम मिले जा कर के पीपल के वृक्ष में आप इसे टांग दीजिए। टांगते हुए कोई देखे ना, ये चीज़ का ध्यान रखिए। वापस मुड़ कर के देखना नहीं है, घर पर आ जाना है, हाथ पैर धोल करके ही अंदर प्रवेश करना है घर के। आपको आपका प्यार इतने जल्दी वापस मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर कर दें ताकि मैं इस तरीके के आपको उपाय बताता रहूँ, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।